जहाँ गुस्सा है वहाँ गुस्सा है, लेकिन जहाँ सपोर्ट है वहाँ जम के सपोर्ट है। हाँ बात तो सही है, गॉडल वाले जितने भी गुस्सा कर लें, जितना भी नफरत कर लें परफॉर्मेंस पे, बट जहाँ प्यार की बात है भाई, तो प्यार के मामले में गॉडल के फैंस से आगे अभी कोई नहीं चल रहा है। ये है तो भाई, मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। गॉडल वाले जितना भी जाके हमको हेट दे दे सॉरी, बट जब गॉडल से, गॉडल के फैन से बढ़ के अभी करंटली तो कोई नहीं है। सबसे अच्छा फैन, बड़ा फैन बेस तो गॉडल का। कांग्रेचुलेशन टुडे, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि भाई जेली के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर हो गया था और रिजल्ट नहीं आया। सो ट्राई, देखो एक तरीके से ट्राई है, अगर पंख के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रहा है और अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेता है तो इट्स गुड। पंख इज अ गुड आइडियल और नॉट, ही इज़ अ गुड आइडियल, आई थिंक बहुत अच्छा आइडियल है। बस अब देखो, पहले दिन तुम लोग प्रेशर मत डाल देना उस नॉट, देखो थोड़ा टाइम देना PGMS का, कम से कम 2-3-4 दिन खेलने देना, उसके बाद कुछ बोलना। कुछ तो प्रेशर में था भैया हमारा जली, तुम लोग के वजह से बताओ, तुम लोग ने उनको बनाया प्रेशर में। जली का गेम स्टाइल याद करो वॉरगेटर में, कितना मस्त था भाई, #2 का कर्श लगता था उसको। तुम लोग ने प्रेशर डाल डाल के उस बंदे को परेशान कर दिया भाई। इजी नहीं है, तुम सोच रहे हो लाखों लोग उसको रोज। जली एक इस तरीके का आइडियल है जो कि एक टाइम पे ओ आर में जब वो था तो उसको कहीं भी इनवाइट नहीं मिलता था। मतलब एक समय ऐसा था कि उसको इनवाइट नहीं मिलता था, वो बिना इनवाइट के क्वालिफाई करता था, और क्वालिफाई करने के बाद या तो वो #2 करता था या फिर एक अच्छे नोट पे इवेंट को क्लोज करता था। ये क्या डाल रखा है भाई, ये कैसा पोस्ट बना रखा है भाई, भाई ये तो पूरे तगड़ा वाला बैंटर कर दिया भाई, ये तगड़ा वाला बैंटर मारा है भाई इसमें तो थोड़ा सा मतलब भाई। ये चीज मेरे ख्याल से गॉड लाइक के फैंस ने भी उनको शेयर कर दी होगी भाई कि ये खतरनाक सा इन्होंने डाल के रखा हुआ है। बट हाँ, जिस टॉपिक की मैं बात करता था गाइस, वो होगा ड्रॉप कलेश। एक चीज़ आपको रेमिनेंट के सेंसे भाई की अगर याद होगी, ब्लॉग में शायद उसने बोला था कि क्या वो ड्रॉप क्लैश कलेश करेंगे कि नहीं। तो भैया एक तरफ सेंसे, एक तरफ पंक, आपको अगर याद होगा, एक थर्ड पार्टी में कास्ट कर रहा था और मैंने एक चीज़ बोली थी भाई कि साथ में थे पहले, अब है बिल्कुल डिफरेंट बैनर के अंडर। अब चलो ठीक है, उस वक्त पे पंक को कमान नहीं मिली थी, बट अब अगर पंक को कमान मिलेगी तो भाई डेफिनेटली मिल्टा में होने वाली है तगड़ी वाली भगदड़, मतलब भसड़ होने वाली, नॉट द भगदड़, भसड़ होती नजर आएगी। ये डिवाइड होंगे पार्ट, एक तरफ गॉड लाइक, ठीक है, एक तरफ आपको गॉड लाइक नजर आ जाएगी, गॉड लाइक रेवेनेंट, ठीक है, और ये बहुत तगड़ी भसड़ होने वाली है। अब इसका फायदा उठाने के लिए कौन सी टीम आती है वो डिपेंड करेगा,